जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। यमुनानगर में जहरीली शराब का तांडव, दो गांवों में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गांव मंडेबरी में छाया मातम का माहौल, तो 4 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। यमुनानगर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। जहरीली शराब पीने से यह हादसा यहां पर हुआ है। बता दें आपको, 6 लोगों की मौत हो गई है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। 2 गांवों में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। गाबा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जो प्रथम दृष्टिया शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर टीम वहां पर पहुंची थी और वहां पर कंसर्न डॉक्टर से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हुई। मामले को हमने संदिग्ध मानते हुए परिजनों के जो एक इंजर्ड व्यक्ति था प्रिंस, उसके बयान पे हमने आईपीसी की धारा 302, 328, 120 बी और एक्साइज एक्ट की धारा 72(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है और कुछ व्यक्ति हमने हिरासत में लिए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी, हमारे दो जो मेरा लड़का है प्रिंस और मिश्रा, इन्होंने परसों रात को शराब पी थी और जिसकी वजह से इसकी कल तबीयत खराब हो गई थी और इसकी विशाल की तो ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके हमारे को पता नहीं था। आज ही पता लगा कब हॉस्पिटल में जब इसको ले गए, उसके बाद इसको प्रिंस को यहीं एडमिट कराया और अभी एडमिट है, इसका भी उपचार चल रहा है। ये है मेरे सुरेंद्र पाल नाम है उनका, ठीक है। और अभी की ड्रिंक के कारण मौत हुई है और जो उनसे ये गाँव में समय और ड्रिंक बेचते हैं इनको, इनके ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए और प्रशासन कोई नहीं आता यहाँ पे बिल्कुल भी। प्रशासन बिल्कुल आता भी है और चले जाता है, बस पैसे ले दे के चले जाते हैं। ठगे हॉस्पिटल में लेके वहाँ जाके 5-10 मिनट बाद अपना जाओ, अपना है ही कुछ नहीं। ये पता नहीं कहाँ ये बिक्री कहाँ नहीं, इनको कुछ नहीं पता लग रहा। अरे ठेकी बताइए सारी दारू जितनी भी है। हाँ जी, इसमें सबका दारू का वो है इनमें सब। हाँ, सारे उनके सब सबको उल्टी लगी है, ये सब से सबको एक ही तरीके से मौत हुई है। हाँ, 2 हॉस्पिटल में अभी भी। जलोर शहर का गांव मडेबरी, यहाँ के लोग इस समय बहुत ही गमगीन माहौल में हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। मौत के कारणों के पीछे यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब इन लोगों द्वारा पी गई थी। गांव में इस टाइम काफी लोग हैं, गांव में गमगीन का माहौल है। पूछते हैं गांव वालों से कि आखिर इन लोगों की डेथ के पीछे क्या कारण है, क्योंकि एक तरफ जहां गांव मंडेबरी है वहीं एक गांव पंजेटे का माजरा भी है, वहां भी 2 लोगों की डेथ होने की सूचना मिल रही है। तो सर, क्या नाम है आपका? प्रभुराम। प्रभुराम जी, गाँव में लगभग 6 से 7 लोगों की डेथ हुई है, कैसे डेथ हुई है, क्या कारण रहा, आपके थोड़ी जानकारी में होगा? हमें तो यही लगता है कि सबने शराब पी है और शराब में कुछ ऐसा हुआ जब सबकी डेथ हुई है। अगर कोई और चीज में होता तो सबने अपने अपने घर खाना खाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए ये हमें तो एक ही लगता है कारण इसका, तो यही है। देखो, गांव वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहरीली शराब थी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सर, सतीश जी, क्या लगता है जिस तरह से गाँव में 5-6 लोगों की डेथ हुई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सर, यहाँ पर शराब बिकती है, कई जगह वैसे बिकती है, ठेके बिकती है, जहाँ पर लोग बहुत शराब पीते हैं, स्मैक भी पीते हैं, भी ये कारण ऐसा लगता है इन्होंने शराब पी है, अभी इनकी मौत हो चुकी है। जिस तरह से गांव में इनलीगल शराब आप बता रहे हैं कि बेची जाती है, तो क्या कभी पुलिस नहीं आती उस रोकने के लिए किसी तरह से? पुलिस सर कभी कभार आ जाती है, गड्डी रात को आती है कभी कभार। तो देखिए, गांव वालों का कहना है कि कहीं ना कहीं नशीली शराब तो बिकती है इलीगल, वहीं स्मैक का जैसा जो भयंकर नशा है वो भी गांव में लोग सेवन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मुख्य मुद्दा है वो कई लोगों की डेथ का है। और भी हम बात करेंगे, महिलाएं हैं साथ में, हम बात करते हैं क्योंकि जिस परिवार में हम आए हैं उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका जी? चंपा जी। चंपा जी, कैसे डेथ हुई आपके, क्या लगते हुए जिनकी डेथ हुई है? मेरे हस्बैंड। तो कैसे डेथ हुई, कुछ पत बताएंगे आप?
जी कल वो काम पे थे वहाँ पे, यहीं पे पड़ोस में काम था उनके पास। जब वो वहाँ से जा रहे थे आ रहे थे काम कर करके, पता नहीं क्यों टेंशन से ले रहे थे वो, पर उन्होंने घर पे नहीं दारू पी, पर बाहर पी होगी वहाँ पे। तो क्या उनको कोई उल्टियाँ भी आई है? हाँ जी उल्टी आई थी उनको, फोन की उल्टी आई उनको एक। तो देखो मैं सबसे बड़ी मैं बात बता दूं कि गांव में जितने भी लोगों की डेथ हुई है उसमें मुख्यतः रूप से जो है सभी को उल्टियां आई हैं। उल्टियां आने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद ही उनकी जो है डेथ हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नशीली जो जहरीली शराब है उसका ही सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है। तो इसके लिए जिला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर नकेल कैसे, क्योंकि किसी घर का चिराग बुझ जाना, किसी पत्नी का पति का दुनिया से चले जाना, बच्चों के बाप का चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन जो जहरीली शराब जो लोग बेचते हैं उनकी नाक में नकेल कसने की जिला प्रशासन को जरूरत है। हालांकि हम गाँव में है लेकिन अभी तक हमें गाँव में कोई भी पुलिस कर्मचारी नजर नहीं आया, जबकि गाँव वाले बताते हैं कि पुलिस आई थी, कुछ लोगों को उठाया भी है और जिन शराब की बोतलों में उन्होंने शराब पी है उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। यमुनानगर के गांव मडेबरी से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बाबा। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रही है। यमुनानगर में जहरीली शराब हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, मामले के बाद अलर्ट मोड पर अंबाला पुलिस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने देर रात गांव के खेतों में रेड की है तो देसी शराब की अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया है, ये बड़ी खबर। भट्टी में बन रही थी देसी शराब जहां पर रेड की गई है, मौके से भारी मात्रा में खाली बोतलें बरामद की गई हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पुलिस ने बरामद किए हैं। यमुनानगर में जहरीली शराब हत्याकांड मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, मामले के बाद अब अंबाला पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस ने देर रात गांव के खेतों में रेड की है, देसी शराब की अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात अंधेरे के आड़ में ही खेतों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देसी शराब बनाने का काम यहां पर चल रहा था और ये सामान यहां से जब्त किए गए हैं। तो यमुनानगर में जहरीली शराब का तांडव और इस बीच अब अलर्ट पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी। अब तक जहरीली शराब पीने से दो गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है तो मामले पर पुलिस ने अब एक्शन पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। यमुनानगर से सर्वजीत बावा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत के बाद अब पुलिस प्रशासन जो है वो जागा है और अब जानकारी जो मिल रही है ये कि यमुनानगर में ये बताया जा रहा है खेतों में बन रही अवैध जो शराब है, जो देसी शराब है उसके ठिकानों पर रेड की गई है पुलिस द्वारा, किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? देखिए अभी बता दूं कि यमुनानगर और अंबाला में जिस तरह से बात करें कि जहरीली शराब का मामला सामने आया और अंबाला पुलिस द्वारा जो है कई जगह रेड की गई है, हालांकि भट्टियां भी पकड़ी गई है जो खेतों में शराब जो निकालते थे, जो अवैध रूप से शराब निकाली जाती है, हालांकि कई ड्रम और कई दारू की जो बोतलें हैं वो पुलिस के हाथ लगी है। अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई बात नहीं की है, सामने नहीं आई है कि कोई गिरफ्तार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस यमुनानगर में 6 लोगों की मौत के बाद जो है हरकत में जरूर आती दिखाई दे रही है, क्योंकि यमुनानगर में 6 लोगों की मौत का जो तांडव है वो कहीं ना कहीं काफी जिला प्रशासन के लिए बड़ी बात कह सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यमुनानगर में और एक गाँव में 6 लोगों की मौत होने को लेकर जो है काफी असहज स्थिति बनी हुई है। पुलिस देर रात जो है कई जगह पुलिस ने छापेमारी की है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है, आखिर कहां कहां इस तरह की अवैध शराब बेची जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, कोई भी व्यक्ति जो है माल्टा शराब ना पिए और देसी शराब से अभी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी शराब के अंदर कोई ऐसा केमिकल मिला हो जिसके कारण जो है लोगों को लिए जान का खतरा बन सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस तरह से रात यमुनानगर में जो घटना हुई है उसमें दारू पीने वालों को सबसे पहले खून की उल्टी आई है, उल्टी के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद परिवार वालों ने जब हॉस्पिटल में दाखिल कराया तो कुछ ही देर बाद उनकी जो मौत हो गई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, हालांकि पुलिस का कहना है कि छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक मुख्य रूप से बता दूं कि गिरफ्तारी की बात पुलिस ने नहीं की, हालांकि कुछ लोगों को राउंड अप जरूर किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी लेकिन सरजीत, यहाँ से जो देसी शराब यहाँ पर बन रही थी वो कहाँ कहाँ सप्लाई की गई है, इसके अन्य जगहों पर, इस पर भी अभी तफ्तीश चल रही है?
जी देखिए बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर ये लोग जो है जो शराब बनाई जा रही है वो कहां कहां सप्लाई की जाती है, यमुनानगर में, हरियाणा में, हिमाचल में। मैं बता दूं कि पिछले दिनों भी हरियाणा के और हिमाचल के बॉर्डर पर जो है इसी तरह अवैध शराब की भट्टियां पकड़ी गई थी, लेकिन तब तो ऐसा कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार जैसे दिवाली का त्यौहार है और त्यौहार के ऊपर इस तरह का मामला सामने आना, अवैध देसी शराब और वो भी जहरीली, तो उससे कहीं ना कहीं जो है पुलिस सख्ते में है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अवैध शराब बनाने वाले पैसे के लिए किसी भी जिंदगी से जब खिलवाड़ करते हैं, वो बिल्कुल सामने आ चुका है। कई लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं और गांव में जो है देखा जाए तो फिलहाल दहशत का माहौल है, क्योंकि दो लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत बाबा इस तमाम जानकारी के लिए।